देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मैं अनस अब्दुल्ला स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। ये हैं मेरे प्रिय अग्रज। इन्होंने कुछ वर्ष पूर्व एक वीडियो बनाई और वीडियो का आरंभ यहां से करते हैं कि मुस्लिम कभी भी ऑर्गन डोनेट नहीं करते। दोस्तों, मुस्लिम कभी भी ऑर्गन डोनेट नहीं करते, अंग दान अपना कोई भी नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम इसी की समीक्षा करेंगे कि इनका ये दावा और इन्होंने ये दावे को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए वो कितना सही कितना गलत। पहली बात, अग्रज ने जो ये कहा कि मुस्लिम कभी भी ऑर्गन डोनेट नहीं करते, इनकी ये बात बिल्कुल निराधार है, बेसलेस है। अग्रज ने ये वीडियो आज से 3 वर्ष पूर्व बनाई, यानी 2017 में। 2016 में ANI न्यूज़ ने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया कि एक मुस्लिम फैमिली ने, एक हिंदू फैमिली ने एक दूसरे को किडनी डोनेट किया, अर्थात स्वैपिंग हुई। ANI न्यूज़ की ये रिपोर्ट ये सिद्ध करती है कि अग्रज न्यायप्रिय नहीं। ANI न्यूज़ ने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया वो ये भी सिद्ध करती है कि ये इनकी ये बातें एक झूठी हैं। मैं अग्रज से ये जानना चाहूँगा कि कृपया करके वो बताने का कष्ट करें, वो इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडे को क्यों फैलाते हैं। अभी प्रीवियस मंथ नवंबर में एक मुस्लिम और सिख फैमिली ने एक दूसरे को किडनी डोनेट किया। न्यूज़ 18 ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। ये दोनों रिपोर्ट्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स ये सिद्ध करती हैं कि अग्रज जो ये कहते हैं कि मुस्लिम अंग ले लेते हैं, देते नहीं या कभी नहीं देते, ये सिद्ध करती हैं कि इनकी ये बातें गलत हैं, निराधार हैं। मैं अग्रज से ये आग्रह करता हूँ कि इन द एज ऑफ इंटरनेट कृपया करके आप इस प्रकार की बातें करने से पहले चीज़ों को थोड़ा अध्ययन कर लिया करिए, थोड़ा रिसर्च कर लिया करिए, चीज़ें सरलता से उपलब्ध हैं। अग्रज ने ये कहा कि मुस्लिम कभी भी ऑर्गन डोनेट नहीं करते, ले लेते हैं देते नहीं। 16 नवंबर 2016 को जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो भूतपूर्व विदेश मंत्री थी हमारे देश की, उन्होंने जब ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है, तो अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने अपनी किडनी उन्हें ऑफर किया था। ABP न्यूज़ ने अपने ब्लॉग पर इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया था। अग्रज, यदि आप न्यायप्रिय होते तो 2017 में ये वीडियो बनाने से पहले आप इन न्यूज़ रिपोर्टों पर अवश्य दृष्टि डाल देते। लेकिन आपकी वीडियोस जितनी भी एक विशेष समुदाय से संबंधित आपने बनाया है, अस्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मुसलमान और इस्लाम के संबंध में जो बातें आपने कही हैं, अधिकांश वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि इस्लाम के संबंध में बोलने के लिए आपको किसी शोध करने की कोई आवश्यकता, इसे आप ज़रूरत नहीं समझते। जो आपके मन में आता है वो बोल देते हैं। वो बातें जो आप कहते हैं उनमें से अधिकांश बातें कुरान और इस्लाम की होती ही नहीं। सेम यही चीज़ आपने इस वीडियो में भी किया। मैं आपको ये बताता चलूँ, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम ऑर्गन डोनेट करते हैं। हमारे देश भारत में अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की पूरी इस पर कंपेन है। वो इस कंपेन को लीड कर रहे हैं कि मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करें, और उन्होंने स्वयं अपने ऑर्गन डोनेट किए। ये वसीयत उन्होंने कर दी है कि उनके सारे ऑर्गन जो भी पॉसिबल हैं, जो लिए जा सकते हैं, वो ले लिए जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चला कि उनकी संस्था के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपके ज्ञान के लिए ये भी बताता चलूँ कि UK में बाकायदा इस पर कैंपेन चल रही है और इस्लामिक स्कॉलर इसे लीड कर रहे हैं। अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे इस्लामिक स्कॉलर लीड कर रहे हैं कि लोग ऑर्गन डोनेट करें और मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने जो रीज़न दिया कि मुस्लिम ऑर्गन डोनेट क्यों नहीं करते, ये रीज़न देकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपको इस्लाम के KG के बच्चे के बराबर भी ज्ञान नहीं, आप इस्लाम के संबंध में बहुत ही अल्पज्ञ हैं। अग्रज ने ये कहा कि मुस्लिमों का ये बिलीफ है कि जजमेंट डे आएगा, इसलिए वो ऑर्गन डोनेट नहीं करते कि जब ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो शरीर इस रूप में बचेगा नहीं और इसी शरीर में जजमेंट डे आएगा। अग्रज के कहने का तात्पर्य ये है तो जजमेंट डे फिर हो नहीं पाएगा, इसलिए वो ऑर्गन डोनेट नहीं करते। और सबसे पहले ये सुन लीजिए कि मुस्लिम अंग दान क्यों नहीं करते, ऑर्गन डोनेट क्यों नहीं करते। दोस्तों, मुस्लिमों में एक प्रथा प्रचलित है कि मरने के बाद जब उनको दफना दिया जाता, कब्र में वो रहते हैं, तो उनका एक दिन आता है जिसको कहते हैं जजमेंट डे। ये मुस्लिमों में एक जजमेंट डे आता है, उस जजमेंट डे पर वो मानते हैं कि शरीर जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए, तब वो जजमेंट डे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अगर ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा,
तो जजमेंट कैसे हो पाएगी? शरीर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे अल्लाह करेगा? इस्लाम का जो भी विद्यार्थी इस बात को सुनेगा वो हंसेगा। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। आर्य बंधुओं के साथ समस्या यही है कि इनको इस्लाम का तनिक भी ज्ञान नहीं, और इस्लाम के संबंध में वो बातें कहते हैं जो कि इस्लाम की होती ही नहीं। अग्रज ने ये कहा कि ये इस्लाम का एक अंधविश्वास है। ये केवल और केवल अंधविश्वास की परंपरा मुस्लिमों में। प्रिय अग्रज, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ही आदर पूर्वक कि ये आपका अंधविश्वास है। जिसने आपको बताया ये उसका अंधविश्वास है। इस्लाम का मूल कुरान है। जिस बिलीफ को आपने इस्लामिक बिलीफ बताया, कृपया करके जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं इन्हीं शब्दों में साक्षर कुरान से जजमेंट डे के संबंध में हमें ये बिलीफ दिखाइए, ये मान्यता दिखाइए। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। आपको इसके लिए प्रलय काल तक का समय है। प्रिय अग्रज, मैं से आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस तरह की कोई भी बात करने से पहले कृपया करके शोध कर लिया करिए। इस्लाम में इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, इन्होंने जजमेंट डे के संबंध में जो मान्यता बताई, अगर मैं उस पर प्रकाश डालूं तो समय लग जाएगा। मैं अन्य वीडियो में उस पर अवश्य चर्चा करूंगा। अग्रज, अगर ये कहते कि मुस्लिम जो है ऑर्गन डोनेट करने में थोड़ा पीछे रहते हैं तो ये बात इनकी सही होती। इसीलिए मैंने इससे पिछली वीडियो में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। आप इसे विस्तार से समझने के लिए उस वीडियो को देखने का कष्ट करें। मैं यहाँ पे संक्षेप में ये बताता चलूं कि इस्लाम के स्वभाव के अनुसार ऑर्गन डोनेट करना एक पुण्य का काम है, एक अजीम नेकी है, इसे करना चाहिए। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अग्रज अपनी इन बातों पर पुनर्विचार करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। यदि आपकी भी इस्लाम पर कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न है, कुरान से संबंधित, इस्लाम से संबंधित, या मेरी इस वीडियो पर आपको कोई शंका है तो मेरी इंस्टाग्राम की इस आईडी पर आप लिख भेजिए। हम आपके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।